हाँ भाई, इंडिया वर्सेस श्रीलंका। इंडिया ने फिर वही बोरिंग मैच, इतना एक तरफा कौन करता है भाई। इससे अच्छा था तो भाई आप इनको थोड़े बहुत रन लगाने देते। विराट कोहली के फैंस जो हैं भाई, वो निराश हो गए। विराट कोहली फिर से शतक से चूक गए। जानते हैं इंडिया वर्सेस श्रीलंका के मैच की कहानी, और इस मैच को जीत कर भारतीय टीम कहाँ पहुंच गई है, और सेमीफाइनल के रास्ते किस टीम के लिए अभी कहाँ है, ये आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। तो भी सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया वर्सेस श्रीलंका। तो भाई हमारे श्रीलंका के महानुभाव कप्तान ने टॉस जीतकर भारतीय टीम की पहले बल्लेबाजी दे दी। क्यों दे दी? क्योंकि जब ये लास्ट टाइम पहली बार खेले थे, 50 पर आउट हुए थे श्रीलंका को, आज के मैच में वो फिर से याद आ गया भाई। इन्होंने क्या किया भाई, रोहित शर्मा को 4 रन पे आउट कर दिया। श्रीलंका बहुत खुश थी भाई। शुभमन गिल और विराट कोहली ने इनका मार मार के भुड़ता बना दिया। उनको 90 के करीब पे दोनों बल्लेबाजों को आउट कर दिया। ये सोचे भाई चलो अब आगे बढ़ जाएंगे। फिर उन्होंने केएल राहुल को भी आउट कर दिया। सोचे भाई आज तो भाई टीम इंडिया हमारे कब्जे में है, अब ये नहीं मार पाएंगे। पर इनको क्या पता भाई, श्रेयस अय्यर इज वेटिंग फॉर यू भाई। श्रेयस अय्यर ने कितना मारा भाई, 6 छक्के मारे। पूरे टूर्नामेंट की बड़ास उतार दी श्रीलंका के ऊपर। और श्रेयस अय्यर आज भारतीय टीम में सबसे ज्यादा खतरनाक दिखे। वो भी आज शतक डिजर्व करते थे, पर आज टीम इंडिया का कोई भी प्लेयर सेल्फिश नहीं खेला, सब अपनी टीम के लिए खेले हैं। और टीम इंडिया ने गिरते पड़ते जैसे मर्जी भी 359 का स्कोर लगा दिया। जडेजा की बैटिंग आज प्राइम पर नहीं दिखी, उसके बावजूद 359 रन बना दिया भाई। उसके बावजूद अगर वो प्राइम पर होते 370 से तक स्कोर प्यार से ज्यादा। पर वानखेड़े का आपको पता है, वानखेड़े में चेज करना बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाला। अगर आपने 300 प्लस स्कोर लगा दिया तो ये चेज होना लगभग नामुमकिन हो जाता है। बट श्रीलंका ने तो भाई लेना था, बल्लेबाजी आती है उनकी और उसके बाद असली तांडव शुरू होता है भाई। उसके बाद हमारे जो गेंदबाज है, किस चीज़ की फ्रस्ट्रेशन उतार रहे थे भाई तुम? जो हमारे गेंदबाज है वो इतना ज़्यादा गुस्से में थे, इतने ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ गेंदबाजी कर रहे थे भाई। किसी ने भी नहीं सोचा था कि भाई ऐसे आउट कर देंगे श्रीलंका को। तो श्रीलंका का भाई ड्रामा शुरू होता है, पहले ओवर में पहला विकेट, दूसरे ओवर में 2 विकेट, फिर दोबारा बुमराह का मैडन ओवर, फिर आते हैं सिराज, फिर से 1 विकेट। इनके 3 रन पर 4 विकेट गिरा देती है टीम इंडिया। फिर इनके एंगलो मैथ्यूज आते हैं, चरित असलंका आते हैं, 20 गेंदों तक तो भाई खाता ही नहीं खोल पाते असलंका भाई साहब। फिर हमारे शमी भाई की एंट्री होती है, फिर शमी भाई का तांडव शुरू होता है। पहली गेंद पर पहला विकेट, दूसरी गेंद पर दूसरा विकेट, हैट्रिक से बच गए। फिर अगले स्पेल में आए, फिर उसमें विकेट, फिर उससे अगले स्पेल में आए, उसमें विकेट। भाई शमी भाई सबसे ज्यादा जेन्युइन गेंदबाज मुझे लगे हैं। उनको बाहर क्यों बिठाया था मेरे ये समझ नहीं आया। शमी तो सबसे पहले डिजर्व करते हैं इस टीम में, और मेरे हिसाब से शमी विल बी द मोस्ट डेंजरस, और अभी भी हैं, और आने वाले मैचों में भी शमी मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा डेंजरस खिलाड़ी होने वाले हैं अपोजिशन के लिए। और टीम इंडिया ने मैच 300 रन से जीत के अपना सेमीफाइनल में स्पोर्ट पक्का कर दिया है। और हमारे जो पड़ोसी हैं वो अभी आशा लगाए बैठे हैं कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया एक से ज़्यादा मैच ना जीते, नहीं तो उनके लिए हो जाए खटिया खड़ी। बट वो शायद भूल चुके हैं कि अफगानिस्तान भी अभी इस दौड़ में बाकी है, और उन्होंने पाकिस्तान से एक मैच कम खेला है। अगर अफगानिस्तान 2 मैच भी जीतता है ना यहाँ पर, तब भी नेट रन रेट अच्छा करके आगे पहुंच सकता है। तो भाई ये वर्ल्ड कप अभी और खुलने वाला है, यानी कि और इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।